नमस्कार, जम्मू परिवर्तन न्यूज से लाइव हो चुके हैं। आपको बताएंगे कि बारिश अभी हाल ही में 2-3 घंटे से जो है आज बूंदाबांदी हुई है, और देख सकते हैं आप, हम आपको दिखा रहे हैं नानक नगर के इलाके में इस वक्त हम यहाँ पे खड़े हैं। हालत आप देख सकते हैं रोडों की, क्या है, रोडों ने जो है वो नाले का रूप धारण कर लिया और लोगों का जीना जहाँ पे निहाल हो चुका है। हम पहले भी खबरें आपको दिखा चुके हैं कि यहाँ पे जब भी कभी बारिश होती है यहाँ पे जो नाले हैं वो भरकर रोडों के ऊपर आ जाते हैं, और सरकार जो है इस पर ध्यान नहीं दे रही। दूसरी बात ये है कि पहले भी हम आपको 2-3 बार बता चुके हैं कि यहाँ के रोडों के जो गड्ढे हैं, कम से कम 2 से 2.5 फुट के गड्ढे यहाँ पे जो है वो बने हुए हैं, और लोगों के जो है वहाँ से वाहन निकलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल लोगों को होती थी। पर आज जब बारिश का मौसम, बरसात का मौसम यहाँ पर शुरू हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हालात जो है यहाँ पर किस कदर बन चुके हैं। तो हम आपको दिखाएँगे, पीछे देखिए गाड़ियां आ रही हैं, और रोड जो है वो बिल्कुल पानी के साथ लबालब भर चुका है, और यहाँ पे जो है नानक नगर के इस रोड ने नाले का रूप जो है वो धारण कर लिया है। यहाँ पे हालात इस कदर हैं कि 2-व्हीलर वाला कोई भी इंसान यहाँ से निकल के नहीं जा सकता, क्योंकि पानी और गड्ढे इस कदर हैं कि पानी के साथ भरे हुए गड्ढे जो है वो नज़र नहीं आ रहे, और एक्सीडेंट जो है वो यहाँ पर काफ़ी हो चुके हैं। सब लोग इतने परेशान हैं, शॉप के ऊपर जो हैं यहाँ पर दुकानदार जो हैं उनका जो बिजनेस है वो बिल्कुल ठप हो चुका है, दुकानों के अंदर जो पानी भर रहा है। तो हम आपको जो बताएंगे यहाँ पे जो लोग परेशान हैं उन लोगों से आपकी बात करवाएंगे, और बताएंगे कि लोगों की परेशानी किस कदर, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और यहाँ पे हालात जो हैं वो किस तरीके के हैं। नानक नगर इलाके को हमेशा से जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है, इन लोगों का कहना, हम लोगों से बात करेंगे। जी सर, कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक है सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलबीर सिंह। सर मुझे एक बात बताइए, नानक नगर की और पूरे शहर की अगर बात करें तो ड्रेन सिस्टम इतना खराब है, जब बारिश शुरू होती है तो यहाँ पर जो है वो बुरी हालत होती है। इस वक्त नानक नगर में हम खड़े हैं, तो यहाँ के जो हालात है वो किस तरह है? यहाँ के बहुत गंदे हालात हैं, और आए दिन एक्सीडेंट, डेली एक्सीडेंट, और बच्चे जो स्कूटरियाँ चलाते हैं, लेडीज जेंट्स, जो जो एक्सीडेंट हो गया सर। ये देखिए वहाँ पे देखिए एक्सीडेंट आपके आप सामने देख सकते हैं, तस्वीरें हैं, देखिए अभी अभी सामने जो एक्सीडेंट की लाइव तस्वीरें, गड्ढे जहाँ पे बने हुए और एक्सीडेंट अभी यहाँ पे, वो ये देखिए तस्वीरें बात करते करते ही आपके सामने आ गई हैं। तो एक्सीडेंट यहाँ पे गड्ढे जो हैं वो हम आपको पहले बता रहे हैं कि जिस तरीके के यहाँ पे गड्ढे हैं वो उसी पर बात कर रहे, तो सामने ही है आपके, बिल्कुल अभी एक्सीडेंट हो गया। तो अभी देखिए चोटें भी लगी हैं इनको, काफ़ी सारी चोटें लगी हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो रोड कदर बुरी हालत से खस्ता हो चुका है, तो प्रशासन जो है वो आगे मुद्दे बैठा है। तो हम कहेंगे कि रोड को ठीक किया जाए, और लोगों से बात कर रहे थे, लोगों से बात करते करते ये दुर्घटना जो इस वक्त हुई है आपके सामने ही आ चुकी है। तो चलिए दोबारा उनसे बात करके बताते हैं कि शॉपकीपर जो हैं उन लोगों को यहाँ पर कितनी जो है वो परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? ना तेजपाल सिंह है। तेजपाल जी मुझे एक बात बताइए, जो जब बारिश शुरू होती है तो यहाँ पे जो रोडों के हालात बन जाते हैं, किस कदर लोग जो हैं वो परेशान होते हैं? ऐसी बात है कि जब ये बारिश लगती है तो पानी और नाली तो ओवरफ्लो हो जाता है, और सारा पानी सड़क में आ जाता है, क्योंकि सड़क जो उसका जो लेवल है नीचे है, तो इसलिए सारे लोगों को परेशानी आती है। आए दिन इंसिडेंट होते हैं, लोग गिरते हैं, लगती है, उस बाद हम लोगों को ऐसी परेशानी आती है, कहीं 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 कि किसी की टांग टूटती है, किसी की बाजू टूटता है, और हम गवर्नमेंट से बार बार अब रो चुके हैं, 3-4 और हम डॉक्टर लेके जा चुके हैं, उन पर कोई असर नहीं हो रहा, उनको कोई असर नहीं हो रहा, इसलिए हम द्वारा ग्राहक इनको बेनती कर रहे हैं कि हम भी इंसान हैं, हमारी बात सुननी चाहिए। नहीं, आपकी दुकानों का जो बिजनेस है उसमें कितना फ़र्क आता है इन चीज़ों के करके? पहले तो रोड जो है वो गड्ढे यहाँ पे हैं, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो है वो बारिश के कारण यहाँ पर कुछ पानी भर चुका है। जब बारिश लगती है तो इतनी छोटी लोग दुकानें बंद करके चले जाते हैं, तो उस वक्त काम तो आता नहीं है, पानी होता है, बार सारा पानी होता है, लोग कैसे दुकान पर आएंगे? दुकानों की अगर दुकानों का जो बिजनेस है वो भी किस कदर यहाँ पे खत्म हो चुका है वो तो हमने आपको बताया, और खास साथ में आपको ये बताते जा रहे हैं कि रोड के जो हालात हैं वो पहले भी हम आपको बता चुके हैं, 3-4 बार जम्मू परिवर्तन न्यूज यहाँ से लाइव हो चुका है, और बताता रहा है कि रोडों को मरम्मत की जाए, रोड ठीक किए जाए, पर कहीं ना कहीं सरकार को जो है इस बात का जो है सरकार के कानों तक नहीं पहुँच पा रही। आज फिर हम बता रहे हैं लोगों की गुहार सुनिए, अभी जैसे आपको हमने लाइव तस्वीरें बताई, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है और किस कदर उस बंदे को चोटें भी लगी हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जी सर बताएं कि अभी अभी आप देखा यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, ये इंसिडेंट आए दिन मेरे ख्याल से यहाँ पे होता रहता है, आए दिन डेली एक्सीडेंट, और इतने खड्डे हैं रोड पे
आप देख सकते हैं कि डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर गड्ढे तो हैं, अब बारिश का पानी जो है वो यहाँ पे भर चुका है, तो किस तरीके के हालात यहाँ पे बने हुए हैं? वो आप देख रहे हैं, आपके सामने ही है, लाइव चल रहा है। और अभी आपने देखा है कि एक्सीडेंट हुआ है, डेली का काम है ये। हम लोग थक गए हैं, लोगों को बोल बोल के हमारी ये हालत है, कोई सुनाई नहीं हमारी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को क्या कहेंगे, क्या उनका काम? देखो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये काम नहीं है, ये PWD का काम है। PWD हम एक्शन से मिले 2-3 बार, पर हमारी कोई सुनाई नहीं। बात यही देते हैं, 15 दिन बाद चालू करेंगे, 20 दिन बाद चालू करेंगे, अभी तक कितने काम कर रहे हैं। तो लोकल विधायक जी हैं, उनसे कभी बात हुई हो आपकी? हाँ हाँ, उनसे बात हुई, बात सब यही बोलते हैं, पर होने वाला चालू होने वाला है, मार्च के बाद चालू करेंगे, मार्च भी निकल गया, अभी देखो जून जुलाई और आ गया है। NC के यूथ विंग के जो हैं स्टेट प्रोविंस सेक्रेटरी जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनसे बताएंगे बात करके कि किस तरीके कदर यहाँ पे लोगों को परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ा। जी बताइए अमन जी, किस कदर के हालात जो हैं यहाँ पे बन चुके हैं? हालात तो जनाब आप देख चुके हो इस रोड का क्या हालात है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे एक एक्सीडेंट भी हुआ, जिससे वो आपने अभी लाइव ही दिखाया है। मैं तो परेशान हूँ, एक तरफ महबूबा मुफ्ती बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी की, और अगर इस प्रकार से स्मार्ट सिटी बनेगी तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये स्मार्ट सिटी कहाँ से शुरू करेंगे बनानी। शायद उनको मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले नानक नगर की तरफ आके देखिए। दूसरा, अपने जो हमारे यहाँ से विधायक हैं सुरेंद्र गुप्ता जी, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा आपके माध्यम से कम, ज़्यादा नहीं तो एक बार आके देख लीजिए। जब से आपने यहाँ से इलेक्शन जीता है आज तक आप यहाँ पे हमें वापस दिखे नहीं। इलेक्शन के टाइम पे आपने बहुत बहुत बड़ी बातें की, यहाँ से वहाँ घूमे, पैदल आए, हमारे पास एक 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 शॉपकीपर के पास से सिंगल सिंगल आए। आज 3 साल हो चुके हैं इस गवर्नमेंट को, सुरेंद्र गुप्ता जी का यहाँ पर कोई भी नामो निशान नहीं है। लाइट चले जाए तो 2-3 घंटे लाइट ही नहीं आती है। बारिश के पानी से हम इतने परेशान हैं, इन्होंने थोड़ा सा एक तरह का काम करवाना शुरू किया था 6 महीने के बाद, उसको अभी तक भी ये ऑन द प्रोसेस है, अभी तक भी ये पूरा नहीं हुआ। जब भी जाओ उनके पास वो यही बोलते हैं कि हाँ जी टेंडर हो चुका है, मार्च के बाद हो जाएगा, अप्रैल में हो जाएगा, जून में हो जाएगा। पर मुझे ये समझ नहीं आ रही, सिर्फ नानक नगर का टेंडर ही क्यों नहीं हो रहा, बाकी हर जगह का टेंडर पूरा हो चुका है। तो ये फिर यहाँ के लोकल लोग, जिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, देखिए जब बारिश आती है गर्मी से लोग परेशान थे, निजात तो लोगों को मिला है, कुछ लोगों को निजात मिला, पर जिन लोगों के घरों में आज पानी घुस जाएगा, जिन लोगों की दुकानों के अंदर रोजी रोटी का जिनका साधन है दुकानें, उसके अंदर जब पानी घुस जाएगा तो उन लोगों के ऊपर क्या बीतेगी, ये प्रशासन जवाब दे इन लोगों को। जम्मू परिवर्तन न्यूज जो है वो आवाज़ लोगों की बनकर यहाँ तक जो है वो सारी बात बता रहा है। तो हमने आपको सच दिखाया और सच बताया, देखिए PWD डिपार्टमेंट और म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट की ओर से किस तरीके से यहाँ के लोगों के हालात बने हुए हैं। तो डिपार्टमेंट यहाँ के आकर इन लोगों का हाल जाने और देखें कि इसे किस तरीके से